मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेटा क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए शॉपकीपर बाय द डिनर सेट ₹4,1200 एंड मार्क्स इट 80% अबव। ठीक है, जो मार्क करता है वो 80% अबव करता है कॉस्ट प्राइस से। इफ़ ही गिव्स 15% डिस्काउंट ऑन इट, तो हमें फाइंड करने हैं मार्क प्राइस, ठीक है, और सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस जो है वो 80% अबव है, तो पहले हम मार्क प्राइस फाइंड आउट कर रहे हैं। मार्क प्राइस इक्वल टू होगा 80% अबव ऑफ कॉस्ट प्राइस 1200। ठीक है, अब इसको हमने ऐड किया, आप जीरो से जीरो कैंसिल कर सकते हैं ये वाला, है ना। 10 में 18 ऐड करेंगे तो 18/10 इंटू 1200। यहाँ पर एक जीरो भी कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपका आंसर जीरो। 12×8=96, यानी कि जो उसकी जो कॉस्ट आ रही है 12 में 9 ऐड करेंगे ये हो जाएगा 2160। ठीक है, ये हमारा 80% अबव कॉस्ट है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इस पर डिस्काउंट दे दिया। हम भी इस पर डिस्काउंट देते हैं, अगर हम सेलिंग प्राइस, इस पर डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, डिस्काउंट हम दे रहे हैं इसके ऊपर आपका 15%। 15% का अगर हम डिस्काउंट देंगे तो कितना हो जाएगा, 1-15/100। तो बेटे यहाँ पर हमने जो है ये 15% का डिस्काउंट दे रहे हैं, 15% का डिस्काउंट दे रहे हैं हम इस पर, जो मार्क प्राइस है 2160। ठीक है, ये हमने डिस्काउंट देने के बाद ये होगा 85/100 और ये कितना है 2160। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। 5 से आप डिवाइड करना चाहें तो 5×2=10, 5×1=5, 5×7=35। 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2×1=2, 2×8=16, तो ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 36 और 1836। तो ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। तो मार्क प्राइस भी हमने कैलकुलेट कर लिया, सेलिंग प्राइस भी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब हमारा प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट क्या है हमारे लिए, तो कॉस्ट प्राइस कितना था, 1200 था, हमने सेल कितने पे किया है, 1836 पर, डिस्काउंट देने के बाद भी। तो हमें प्रॉफिट जो हो रहा है, मैं प्रॉफिट यहाँ निकाल रहा हूँ, प्रॉफिट जो हो रहा है, ठीक है, SP-CP 1836 में से माइनस करेंगे अगर हम 1200, तो कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, 836 रुपीज़ का। अब हमें इसकी परसेंटेज भी फाइंड आउट करनी है। परसेंटेज निकालनी है तो 836 को हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, जो कॉस्ट प्राइस है 1200×100, तो 100 से ही दो जीरो कैंसिल कर सकते हैं, 12 से डिवाइड। तो ये बेटे प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, प्रॉफिट हमारा 636 रुपीज़ का हो रहा है, तो 636×100, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1200। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, दो जीरो हमने कैंसिल कर दिए, 12×5=60, ठीक है, और 12×3=36, तो 53% रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ हमें, 53% का। तो पहले हमने क्या किया, जो 1200 जो कॉस्ट प्राइस थी, पहले हमने मार्क प्राइस फाइंड आउट किया, वो 80% अबव था कॉस्ट प्राइस से। उसे फाइंड आउट करने के बाद फिर हमने सेलिंग प्राइस फाइंड आउट किया, उस पर हमने डिस्काउंट दिया जो मार्क प्राइस था 15% का। तो उस डिस्काउंट देने के बाद जो उसकी जो हमने सेल किया है 1836 रुपीज़ का सेल किया, हमने लिए जो कॉस्ट प्राइस थी वो 1200 थी, तो प्रॉफिट जो निकालेंगे 1836-1200 636 हो गया। इसकी प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी, वो 53% हो गई। इस तरीके से हमने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7, इससे मिलता जुलता ही है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹1600, ठीक है, कॉस्ट प्राइस 1600 है, विच इज 20% बिलो द मार्क प्राइस। ये जो आपकी जो कॉस्ट प्राइस है मार्क प्राइस से, है ना, कॉस्ट प्राइस जो है मार्क प्राइस से कितने परसेंट बिलो है, 16%, ठीक है, 16% बिलो है मार्क प्राइस। तो आप इसका मार्क प्राइस निकालो, ठीक है, तो पहले हम मार्क प्राइस निकालेंगे, उसके बाद फिर हमने इस पर डिस्काउंट दिया है, ठीक है, डिस्काउंट कितना दिया है, 20%,
डिस्काउंट 16% का है और हमें डिस्काउंट जो दिया है बिलो जो है 20% है। तो पहले हम मार्क प्राइस फाइंड आउट कर रहे हैं। मार्क प्राइस हो जाएगा आपका, कॉस्ट प्राइस है 1600, ये 5 हो गया 4/5। तो मार्क प्राइस फाइंड आउट करना है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 2000 हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है मार्क प्राइस। अब क्या कर रहे हैं, हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस बेटे मैं यहीं पे निकाल देता हूँ, जगह बोर्ड को जो है एक ही बार में हो जाएगा। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 16% का डिस्काउंट कर रहे हैं, ठीक है, मार्क प्राइस पर। तो ये हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1-16/100 into 2000। तो ये हुआ 1600 में से 16 माइनस किया हमने तो 84/100 into 2000। ये 20 हमने ये कैंसिल कर दिए, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 8 2 8 16। तो 1600 हमने 80 का हमने सेल किया, ये सेलिंग प्राइस हो गया। प्रॉफिट कितने का हुआ, हमने 1600 का जो है ना कॉस्ट बाय किया था, 1680 में सेल कर दिया। तो प्रॉफिट जो निकालेंगे तो प्रॉफिट इज इक्वल टू होगा SP-CP, यानी कि 1680 माइनस 1600 इक्वल टू 80 आ गया। अब हमें इसकी परसेंटेज निकालनी है, प्रॉफिट की परसेंटेज निकालेंगे तो ये हो जाएगा 80/1600 मल्टीप्लाई बाई 100। ये 20 हमने कैंसिल कर दिए, ठीक है। 16/5 का कितना होता है 80, तो 5% रुपीज़ का फिर भी फायदा हुआ, हमने डिस्काउंट दे दिया तब भी हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 है तो 8 आपको इसी तरीके से करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बेटा, इसमें हमने नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि हम 2 बार डिस्काउंट दे रहे हैं एक ही आइटम पर, तो उसकी जो है सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो 2 बार डिस्काउंट देंगे तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, 28,600 रेफ्रिजरेटर की जो कॉस्ट है वो 28,600 दी हुई है। हमने 2 बार डिस्काउंट दिया तो 2 बार डिस्काउंट दिया तो 1-10% ले लेंगे, माइनस कर देंगे दोनों बार, 1-5% ले लेंगे। बस इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। 28,600 या आप 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, तो कैंसिल कर दिया हमने, कितना आ गया 9/10। यहाँ पर क्या हुआ, इसको आप कैंसिल करना चाहें आप अदरवाइज इसको 95 5 5 5 10 कर लो, 20 में से 1 माइनस करा 19/20 आ गया। ये 20 आप इस 20 से कैंसिल कर सकते हो, नीचे 2 बचा हुआ है, 2 को आप इससे जो है डिवाइड कर सकते हो, 2 1 2 2 4 8 2 3 6। ये जो नंबर है 143 और 9 और 90, इन सबको जो मल्टीप्लाई कर लोगे वो आपका आंसर आ जाएगा। ये आप खुद मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिख देना, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, लेट द कॉस्ट प्राइस, उसमें एक कॉस्ट ये फाइंड आउट करना है, दो डिस्काउंट दी जा रही है 30% की और 10% की। तो दोनों डिस्काउंट के बराबर अगर हम एक डिस्काउंट देना चाहें तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ये कह रहे हैं। तो हमने लेट कर लिया, लेट द कॉस्ट प्राइस जो है उस आर्टिकल का नहीं दिया हुआ है वो एक्स है, और जो सिंगल डिस्काउंट होगी वो डी परसेंट है। तो हम जो डिस्काउंट देते हैं तो क्या लिखते हैं, 1-, ठीक है, डी अपॉन डिस्काउंट लिखते हैं ना, डी की डिस्काउंट की जगह मैंने डी लिख दिया है, और आर्टिकल की कॉस्ट लिखते हैं, वो आर्टिकल कॉस्ट सपोज करो एक्स है। दो डिस्काउंट दिए हैं हमने, 30% का और 10%, ये हमने इस तरीके से लिख दिया 30% - 10%, ठीक है। आर्टिकल की कॉस्ट जो है वो एक्स है, तो ये एक्स से तो एक कैंसिल हो गया, इसका तो यूज खत्म हो गया। अब हमें इसको सिंपलीफाई करना है, 1-D/100 इक्वल टू 100 में से 30 माइनस किया तो 70/100 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 90/100 हो जाएगा। तो एक के जीरो तो आप कैंसिल कर सकते हो, है ना, ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए। तो हमने क्या किया, 1-7 9 63/100 हो गया, और -D/100 को हम दूसरी साइड ले गए,
हंड्रेड में से 63 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 7, ठीक है। 9 में 6 किया 3, 37, 37 अपॉन 100। यहाँ कितना है, यहाँ d अपॉन 100 है, 100 से 100 ही कैंसिल हो गया, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, d इज इक्वल टू आ गया 37, यानी कि सिंगल जो डिस्काउंट होगा वो 37% होगा। तो इस तरह बेटा ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई 6.3, ठीक है। फिर कल हम 6.4 बताएंगे, ठीक है, आप इसको कंप्लीट कर लेना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।